Adun dana virmani sikha padin smad yoni Adun dana virmani sikha padin smad yoni Dhammapad gatha katha number 133 134 133 134 इसकी जो कहानी है कथा है वो एक ही है। एक कुंडधान नाम का थेर था, कुंडधान नाम का भिक्खु, कुंडधान नाम का जो भिक्खु था जैतवन के अंदर सावित्री के अंदर, उसके साथ में एक शारीरिक दिक्कत थी कि वो थोड़ा सा शरीर से ऐसे लगता था जैसे स्त्री है, स्त्री जैसा, और जबकि उसका जो मन था यानी जो उसका सॉफ्टवेयर था, जो उसके अंदर व्यक्तित्व था, जो व्यवहार था, वो पूरा का पूरा एक नर का था। तो सामान्य रूप से देखने से, क्योंकि जैसे स्त्री का जो शरीर होता है वो अलग तरह का होता है और पुरुष का अलग तरह का होता है, तो कुछ पिछले कारणों से जहां से शरीर बनने का आदेश आता है या जहां से मन बनकर आता है, यानी जहां से जो व्याणा है शरीर के अंदर प्रवेश होता है, व्याणा बाहर से आता है, जो सॉफ्टवेयर है, और जो रूप है वो माँ बाप से आता है, तो उन फाइलों में कहीं कोई थोड़ी मोड़ी, कहीं कोई गड़बड़ हो गई, पुराने जो कम है उसके हिसाब से। और ऐसा अक्सर होता है कि अगर पुराने कम खराब हों तो फाइलें करप्ट हो जाती हैं, फाइलें करप्ट होके उनमें कोई वायरस आ जाता है या वो अधूरी फाइलें होती हैं, और उसी के हिसाब से संरचना शरीर में बनती है। इसीलिए जो लोग हैं वो पैदाइशी अपंग होते हैं या पैदाइशी उनके शरीर में कोई भाग बड़ा हुआ होता है। ये जो संरचना है, ये जो हमारे कम है, पिछले जन्म के कम है, या जो पहले हम जहां से हमारा सॉफ्टवेयर ट्रांसफर हुआ है, और जो माँ बाप से हमारे कोड आते हैं, यानी कि जो फाइलें माँ बाप से आती हैं, जो लक्षण माँ बाप से आते हैं, जो बीज माँ बाप से आता है, उसमें कहीं कोई करप्शन हो जाए या उसमें कोई करप्ट हो जाए या वो आधी अधूरी आए या ट्रांसफर होते समय आधी अधूरी आए या रिसीवर ठीक ना हो, तो ऐसा होता है। जैसे आज के समय में जब हम कंप्यूटर से कंप्यूटर में कोई फाइल ट्रांसफर करते हैं या वाईफाई के थ्रू कोई फोटो ट्रांसफर करते हैं, तो वो आधी अधूरी फाइल पहुंचती है, कई बार पहुंचती भी नहीं है, कई बार कुछ और पहुंच जाता है, कई बार वो गड़बड़ हो जाती है, ये चलता रहता है। ये भगवान बुद्ध ने, जो आज हम आसानी से समझ सकते हैं, वो भगवान बुद्ध ने उस समय समझ लिया था। तो जब वो भिक्खु संघ के साथ में धम्मचारिका के लिए जाता था, धम्म सिखाने के लिए जाता था कुंडधान धेर, तो लोगों को ऐसा आभास होता था कि ये भिक्खु के साथ में भिक्खुनी क्या कर रही है, यानी भिक्खुनी जैसी ये क्या है। तो लोग उसको अधिकतर कोई भिक्खुनी समझ के ही दे देता था जो पिंड है या धम्म लेता था, क्योंकि भिक्खुओं को प्रसन्न नहीं करते ज्यादा, मगर बात पहुंचते पहुंचते पसंदजीत तक पहुंची, और पसंदजीत के पास में, पसंदी के पास पहुंचने के बाद कहा कि भिक्खु एक भिक्खुनी को भी साथ लेके चारिका में जाते हैं। मोस्टली भिक्खुनी अलग जाती हैं चारिका के लिए और भिक्खु अलग हैं, नियम है उनका, साथ नहीं जा सकती। और वो जो भिक्खु है वो तो बिल्कुल पास पास होकर चल रहा है जो कुंडथान है, तो थोड़ा सा जो कौतूहल का विषय है, जो चिंता का विषय है, जो विनय के नियम के विरुद्ध का विषय है, वो बनता है। तो पसंदी ने वहां जाके भिक्खु के जो चारिका जहां करते हैं वहां जाके देखा, बातचीत की, पता किया, तो वो जब आश्वस्त हो गया कि नहीं, ये जो भिक्खु है वो भिक्खुनी है, इसका शरीर जरूर थोड़ा सा भिक्खुनी जैसा या नारी जैसा हल्का सा है, ऐसा होता रहता है प्रकृति के अंदर पिछले कम के कारण, तो वो बहुत ज्यादा भिक्खु की इज्जत करता है और अपने यहाँ आमंत्रित करता है चारिका के लिए, धम्म के लिए। ये बात जब अन्य भिक्खुओं को पता चलती है तो वो थोड़े से चिढ़ जाते हैं कि देखो हमको तो बुलाया नहीं, क्योंकि अभी नए नए भिक्खु हैं, चारिका करते हैं, तो थोड़ा सा ईर्ष्या जलन भिक्खु के अंदर, क्योंकि पूरी तरह से आरत हुए नहीं है। तो वहां उनमें कुछ अपशब्द हो जाते हैं, कुछ एक दूसरे की वार्तालाप हो जाती है, कुछ कटु वचन हो जाते हैं, कुछ कड़वी बातें हो जाती हैं जो एक दूसरे को कहते हैं। तो जो कुंडधान जो थेर है, उसकी बारे में जब भगवान बुद्ध को ये पता चलता है कि आज ऐसे ऐसे घटना घटी, तब भगवान बुद्ध ये दो गाथाएं कहते हैं जो इस प्रकार है। मावोच फरुसंग कंची उत्ता पटी वदेयू तंग दुखा ही सारभ कथा पटी दंडा फुस्सेयु तंग। मा वोव फरुसंग तंची का मतलब है मा वोच, यानी कि वोच माने होता है वचन, यानी मा माने मत करो, मत ऐसे ही वचन करो, कैसे फरुसंग, फरुस माने होता है कठोर, कठोर वचन मत करो, कंची माने कभी भी किसी से भी,
यानी किसी से भी कभी भी कठोर वचन मत कहो। वुत्ता पटी वदेयु तंग, वुत्ता माने जो कहा जा चुका है, जो कहा जा चुका है यानी जो कहने वाला है। वुत्ता पटी वदेयु तंग यानी जो कहा है उसके बदले में क्या होगा, पटी वदेयु, पटी का मतलब प्रतिवाद, यानी कि वो फिर वैसा ही आपको कहेगा। वदेयु का मतलब कहेगा, तंग माने तुम्हें या आपको। दुखा ही सारभ कथा, दुखा ही का मतलब है वास्तव में निश्चित, दुख ही होगा वास्तव में निश्चित। क्या होगा, सारभ कथा, सारभ का मतलब होता है क्रोध आना, यानी क्रोध की जो कथा माने कहना वचन, यानी जो वचन होंगे फिर बाद में जब आप किसी की कड़वी बात पे, कठोर बात पे जब आप प्रतिवाद करोगे तो फिर वहां दुख ही होगा, क्योंकि जितने भी वचन होंगे वो क्रोध से, वाद विवाद से, उग्रता में आ जाएंगे, वायलेंस वहां बातों में आएगी, जोर जोर से चीखेंगे। पटी दंडा फुस्सेयु तंग, पटी दंडा का मतलब है पिटी दंड, फुस्सेयु का मतलब है आपको फुस करेगा, स्पर्श करेगा, छुएगा, मिलेगा। तंग माने तुम्हें, यानी कि तुम्हें फिर बदले में उसके जो दंड मिलेगा वो ऐसा ही मिलेगा, प्रतिदंड यानी कि क्रोध के बदले क्रोध। वो कहते हैं कि भिक्खु अगर आप आपस में वाद विवाद करोगे, क्रोध से बात करोगे, जोर जोर से बात करोगे, कठोर बात करोगे, कड़वी बात करोगे, तीखी बात करोगे, जो मन के लिए अप्रिय बात होगी उसे करोगे, तो बदले में आप ये मत सोचना कि आपको कोई मीठी बात कहेगा। जैसी बात आप कहोगे वैसे ही प्रतिवाद मिलेगा, प्रति जो वाणी है वैसी ही मिलेगी, और फिर वो आपको चारों तरफ क्रोध रगनी और दुखी दुख दे देगी, जो आपको बदले में स्पर्श करेगा, दुखी दुख आपको टच करेगा, मिलेगा, ऐसा वो कहते हैं। और इससे अगली गाथा में कहते हैं, सचे नरेसी अत्तानंग तंसो उपहतो यथा ऐस पत्तोसी निब्बानंग सारभो तेने विज्जति। सचे नरेसी अत्तानंग, सचे माने इस प्रकार से, नरेसी माने होता है ने इरति यानी बोलता है या बोलो, यानी कि इस प्रकार नहीं बोलो, अत्तानंग अपने आप से, अपने आप से भी ऐसा मत बोलो। कसो उपहतो यथा, कसो उपहतो यथा का मतलब है उपहत माने होता है टूटा हुआ, हत माने हत्या होती है और उपहत माने जो टूटा हुआ, जो बिल्कुल बर्बाद किया हुआ होता है, यानी जो बर्बाद होता है। कसो माने जो कांच है, जो कांसा है, कांसा बोलते हैं, कांच भी बोलते हैं, जो कांसा है जब वो टूट जाता है जिस प्रकार, यानी कि अपने आप को नरेसी, नरेसी का मतलब इस तरह से करो कि जैसे टूटे कांच की बिल्कुल आवाज नहीं आती है, बिल्कुल मत बोलो, मौन हो जाओ, साइलेंस हो जाओ, जैसे टूटे हुए कांच में से आवाज नहीं आती। जो कांच का बर्तन होता है जब तक साबुत होता है आप उसे टंकार मारोगे तो आवाज आएगी, मगर अगर वो टूट जाए या कोई बर्तन टूट जाए और छोटा सा टुकड़ा रह जाए तो फिर उसमें से कोई अब शब्द नहीं आता, निशब्द हो जाता है, मौन हो जाता है। ऐसे वो कहते हैं नरेसी, न इरति यानी कि न बोलो, ऐसे हो जाओ जैसे कि टूटा हुआ कांस है। ऐस पत्तोसी निब्बानंग, ऐस पत्तोसी निब्बानंग का मतलब है इस तरह से निब्बान प्राप्त हो, यानी कि इस तरह से निब्बान प्राप्त हो जिस तरह से आप बिल्कुल मौन हो गए हैं, कांसे के बर्तन की तरह, टूटे हुए की तरह, बिल्कुल जैसे आपके अंदर कोई भी टंकार नहीं है। सारभो तेने विज्जति, सारभो तेने विज्जति, सारभो का मतलब है जो क्रोध है, क्रोध है, तेने विज्जति यानी जो क्रोध है वो तुम्हारे लिए फिर विद्यमान नहीं होता, विज्जत नहीं होता, विद्यमान नहीं होता तुम्हारे अंदर, फिर वो निब्बान को प्राप्त हो जाता है। इसको हम अगर दोनों कथाओं को हिंदी में सार कहेंगे तो इस प्रकार है, कठोर कड़वा जोर से ऊंचा मत बोलो, अगर तुम ऐसा बोलोगे तो दूसरे भी ऐसा ही बोलेंगे, इससे क्रोध वाद विवाद निश्चित है, दुख निश्चित है, इसका दंड तुम्हें मिलेगा ही। अपने आप को ऐसा मौन करो जैसे कांच टूटने के बाद बिल्कुल भी आवाज नहीं करता, यही निब्बान को प्राप्त होता है या हो, क्रोध तुम्हारे अंदर विद्यमान नहीं हो इस तरह से। तो आपने देखा होगा कि अगर घंटा है कोई, अगर घंटे को आप चोट मारेंगे तो आवाज देता है, मगर अगर घंटा टूट जाए और उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं, फिर आप उसमें कितना ही चोट मारते रहिए कोई आवाज नहीं आती। इसी तरह से भगवान ने कहा है कि अपने आप को ऐसा कर लो निशब्द, कि कोई अगर कुछ वाद विवाद करे भी, अगर आपको कोई उकसाए भी, आपको कोई मारे भी, कुछ कठोर वाणी कहे भी, तो आपकी तरफ से कोई आवाज नहीं आनी चाहिए, इससे आपको निब्बान प्राप्त होता है। छोटे बच्चे से अगर आप जोर से बात करेंगे तो वो जोर से बात सीखता है, वो सोचता है कि यही ठीक है,
अगर पोलाइट बात करेंगे तो वो पोलाइट बात करेगा, वो सोचता है कि यही ठीक है। छोटे बच्चे को घर में ये पता नहीं है कि किस तरह से बोलना है, वो माँ बाप को अपना आदर समझता है, आइडियल समझता है, अपना आइडल समझता है, तो जैसे माँ बाप बोलते हैं वैसे ही बोलता है। अगर आप चीख चीख के बोलेंगे तो आप ध्यान देंगे कि आपके सारे बच्चे चीखते हैं, अगर आप बहुत आराम से बोलेंगे तो आप ध्यान देंगे कि आपके सारे बच्चे बहुत आराम से बोलते हैं। यूं अपवाद सारी दुनिया में होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि माँ बाप खूब चीख के बोले और बच्चा बहुत आराम से बोले, ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा बहुत चीख के बोले और माँ बाप आराम से बोलते हो, मगर अधिकतर जो नेचुरल नियम है वो यही है कि जिस तरह का व्यवहार आप करेंगे उस तरह का व्यवहार ही आपको 100% मिलेगा। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Kamesu Michacharavirmani Sikkhapadam Smadhyami.